शुरू होने में जस्ट 2 ही दिन रह गया है और अभी मुझे पूरे घर को डेकोरेट करना है, तो आज मैं इस डाइनिंग एरिया को डेकोरेट करने वाली हूँ, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स। लास्ट ईयर भी मैंने दिवाली के टाइम पे डाइनिंग एरिया डेकोरेशन वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था, और उसी टाइम पे ना मैंने इस वॉल में 2 वॉल शेल्फ लगाई थी, ये वाला एक जो कि क्लीन करते वक्त अभी निकल के आ गया है, और इसके अंदर जो टी लाइट होल्डर था वो भी टूट गया है। तो अभी मुझे इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा इस साइड के लिए, और क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारपेंटर भी आएगा ये छोटा मोटा काम करने के लिए, क्योंकि इसे ना अभी नेल पूरा निकल के आ गया है तो इसे ड्रिल करके लगाना होगा। तो सबसे पहले तो मैंने डाइनिंग एरिया को पूरा क्लीन कर लिया है और अभी मैं इसमें बिछा रही हूँ रनर। थोड़ी सी मैंने निकाल ली है, ज्यादा हो गया था, ये ठीक से बैठ नहीं रहा था। मैं दिवाली के लिए डेकोरेशन कर रही हूँ तो इसलिए मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स से यहाँ पे डिज़ाइन किया है, और इसे पॉप अप करने के लिए रेड कलर के कुछ पॉट प्यूरी भी यहाँ पे यूज़ किया है। इस वॉल के एक साइड में वॉल शेल्फ लगा हुआ है और इस साइड में भी था जो कि गिर गया है, तो यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिफिशियल मेरीगोल्ड फ्लावर से डिज़ाइन कर लिया है और इसे मैंने लगाया है डबल साइडेड टेप की मदद से, और ये मेरे पास पहले से ही था ये माला, और इसके नीचे ना मैंने कुछ बेल यूज़ किया है इस माला के नीचे जो कि क्रिसमस ट्री के साथ मिलता है, वही मैंने यूज़ किया है और काफ़ी सुंदर भी दिख रहा है ये। वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो आने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये रहा डाइनिंग एरिया का फाइनल लुक, और तो चलिए मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।